नीट एग्जाम बहुत क्लोज है, अराउंड 1.5 मंथ अभी लेफ्ट है, और हमारे साथ हिमाचल स्टेट रैंक 1 टॉपर बैठा है। सो आज इस बच्चे से हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैम ने भी ड्रॉप किया था, अब इनकी क्या मतलब इनकी तरफ से क्या प्रो टिप्स है, एक बार सुन लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी हूँ और मैं अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट इन एजुकेशन का, और मैंने भी ड्रॉप किया था, और मुझे पता है सभी ड्रॉपर्स क्या, जो भी अभी नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, 25 लाख स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत टफ टाइम है, उनके लिए नीट बहुत, उनका सपना है कि नीट जैसे मेरा भी था किसी टाइम पे। तो मैं उनको सिर्फ एग्जाम से कुछ टाइम पहले बस ये पॉइंट देना चाहूंगी, सबसे पहला अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना, मैं बीमार हुई थी नीट से पहले तो मत होना, बी कंसिस्टेंट, रोज पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पढ़ो, बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी, तीनों को टाइम इक्वल डिवाइड कर दो, एक पे ज्यादा फोकस मत करो, अगर कोई वीक है तो उसको ज्यादा फोकस करो, बी कॉन्फिडेंट, खुद पे भरोसा रखो, पूरे साल मेहनत के रिजल्ट पक्का अच्छा आएगा। मीनाक्षी, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके ना मॉक टेस्ट में ना बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो भी एक मतलब लो मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है, बच्चे फैमिली की तरफ से भी उनको क्वेश्चन आ रहा है कि ना मतलब नंबर कम आ रहे हैं लास्ट टाइम है, अब कम आएंगे तो कैसे होगा, नहीं तो उनके लिए क्या एक मतलब अपनी एडवाइस। देखो, मॉक टेस्ट में कम नंबर आने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा फाइनल भी बहुत बेकार होगा, तुम बस इस कंसिस्टेंट रहोगे तो सब ठीक होगा। मेन जो चीज नीट में मुझे लगता है जिसकी वजह से मतलब तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं, वो है कि तुम नेगेटिव कर रहे हो, तुम कभी भी किसी क्वेश्चन में दो ऑप्शन में फंसते हो ना, तो जो तुम्हारे दिमाग में पहली बार कह रहा है ना वही आंसर होता है, तुम ओवर थिंक करके आंसर गलत कर रहे हो, तो इस ओवर थिंकिंग को कम करो, और जितना तुम नेगेटिव कम करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। मैं ये कहना चाहूंगी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट वही अटेम्प्ट करना जिसमें तुम 50-50 करो, दो ऑप्शन में चांस ले सकते हो, लेकिन कभी भी चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे चांस मत लेना, नेगेटिव जितना कम रखोगे रैंक उतना अच्छा जाएगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपका पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है, कि अब पेरेंट्स को अपनी तरफ से किस तरीके से बच्चों के साथ डील करना चाहिए इस मोमेंट पे, इस क्रूशियल टाइम पे। मैं ये कहना चाहूंगी पेरेंट्स के लिए कि आपको अपने बच्चे की पक्का फिक्र है कि वो कुछ अच्छे से स्टैंड करे, सबको होती है, लेकिन बच्चे का भी फ्यूचर है, वो भी अपने बारे में उतना ही सोच रहा है, वो सच में मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा ड्रॉप कर रहा है तो वो दिल से अपना एक साल लगाना चाहता है एक सपने के लिए, तो उस पर भरोसा रखो और उसको कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करो, उसको डराओ मत कि तुझसे नहीं होगा, बस अच्छे से मोटिवेशन की तरह अपने अपने बच्चे का सपोर्ट करो। ओके, थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।